चलो तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम हमने बेसिक इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के बारे में, उसकी क्या डेफिनेशन है, क्या मीनिंग है, वो देखा था, अलोंग विथ एग्जांपल ऑफ हार्ट कि उसमें कौन कौन से पार्ट्स हैं, उसमें से इंटरनल पार्ट और एक्सटर्नल पार्ट कैसे एक दूसरे के साथ कोरिलेशन करते हैं, और फाइनली हमें जो हार्ट की सर्कुलेशन की एक्टिविटी है वो मिलती है, उसके बारे में हमने कुछ पॉइंट्स देखे थे। देन बेसिक डेफिनेशन ऑफ योर ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, देन व्हाट इज ऑर्गन, व्हाट इज टिश्यू, व्हाट इज सेल, देन ये बनते कैसे हैं, इसके बारे में हमने कुछ डेफिनेशन देखी। उसके बाद हमारे बॉडी में टोटल कितने सिस्टम्स हैं और उनका हमारे लाइफ को मेंटेन करने के लिए क्या क्या फंक्शन है, उसके बारे में हमने देखा था। उसके बाद हमने कहा कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं यूनिवर्स में जो लिविंग है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो नॉन लिविंग है, तो इन दोनों को अगर हमें डिफ्रेंशिएट करना है तो कुछ क्राइटेरिया हमें चाहिए। तो उसके क्राइटेरिया में हमने क्या देखा था, वाइटल फंक्शंस ऑफ बॉडी जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन, मेटाबॉलिज्म, रेस्पॉन्सिवनेस, मूवमेंट, रिप्रोडक्शन, एक्सक्रीशन, न्यूट्रिशन, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, रेगुलेशन, सिंथेसिस एंड ट्रांसपोर्ट। अगर कोई भी चीज़ अगर ये सब क्राइटेरिया को फॉलो करती है तब उसको हम कहेंगे लिविंग थिंग, फाइन। लेकिन लास्ट लेक्चर में हमने इसमें से कितने पॉइंट्स डिस्कस किए थे और उनके नाम क्या थे, बोलो। पहले 3 पॉइंट डिस्कस किए थे सर। राइट, ऑर्गेनाइजेशन, मेटाबॉलिज्म एंड रेस्पॉन्सिवनेस। मेटाबॉलिज्म में क्या होता है, बॉडी क्या करती है जैसे मेटाबॉलिज्म में? कि फैट एसिड का हम कंटिन्यू कंटिन्यू बोल। सर, एमिनो एसिड पासून प्रोटीन बनवते आणि प्रोटीन पासून एमिनो एसिड। धाम आणि धाम फॅट्स धाम धाम पासून धाम। फॅट एसिड सर। ओके, यहाँ पे कुछ मिस्टेक हुई है, कोई करेक्ट करना चाहेगा? बहुत बड़ी मिस्टेक, अगर एक कॉन्सेप्ट अभी क्लियर नहीं हुआ तो आगे जाके बहुत सारे आपको लॉस हो सकता है। ओके अमीनो एसिड कार्बोहाइड्रेट सब्सटेंस इनटू सिंपल सब्सटेंस। ये आपने नया कॉन्सेप्ट बताया, लेकिन अभी जो दो पर्सन ने कुछ स्टेटमेंट दिए हैं रिगार्डिंग अमाइनो एसिड एंड रिगार्डिंग फैट्स, क्या वो स्टेटमेंट सही थे या गलत थे? प्रोटीन पासून अमीनो एसिड प्रोटीन बनतो, सवाल अमीनो एसिड पासून प्रोटीन नाही बनत। प्रोटीन से अमाइनो एसिड नहीं बनते। ओके ओके ओके, लेट मी क्लियर द कंफ्यूजन। जब अमाइनो एसिड एक दूसरे के साथ फ्यूज हो जाते हैं और उससे एक बड़ी चेन बनती है, उसको हम कहते हैं प्रोटीन। आपका अमाइनो एसिड जब जुड़ जाता है एक दूसरे के साथ तब बनेगा प्रोटीन, और जब प्रोटीन छोटे छोटे पार्ट्स में टूट जाएगा तब उससे बनेगा अमाइनो एसिड, राइट? ऐसे हम कह सकते हैं। ऐसे इन्वेंशन ये नहीं हो सकता कि अमाइनो एसिड, सॉरी, वो जो स्टेटमेंट कहा था कि प्रोटीन टर्न इंटू अमाइनो एसिड, अमाइनो एसिड टर्न इंटू प्रोटीन। जस्ट 1 मिनट, हाँ, लेट्स कंटिन्यू। तो हमें मेटाबॉलिज्म में ये देखना होता है कि कैसे हमारी बॉडी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को कन्वर्ट कर देती है सिंपल सब्सटेंस में, यही हमारी बॉडी का फंक्शन है, तो वो हमने मेटाबॉलिज्म में देखा था। ओके, रेस्पॉन्सिवनेस में हमने क्या देखा था, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेस्पॉन्सिवनेस? जैसे कि आप मेरी आवाज सुन रहे हो तो इसको एक एज अ हिंट मान लो। सर एनवायरनमेंट ब्रेन में जो रिस्पॉन्स चेंजेस करता होते है। हैं। ओके, तो आप ये कह रहे हो कि एनवायरनमेंट में जो कुछ भी चीजें बदल जाती है और उसे हम जब महसूस करते हैं उसको हम कहते हैं हाँ, रेस्पॉन्सिवनेस, करेक्ट? जैसे तो लाइक हाँ, स्मेल, टच। यस, स्मेल, टच, साउंड, लाइट, टेस्ट। हमारे जो 5 सेंसरी ऑर्गन्स है मेन, तो वो हमें एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की पूरी इंफॉर्मेशन दे देते हैं, मतलब वो एज अ विंडो काम करते हैं हमारे ब्रेन के लिए, करेक्ट? अभी नेक्स्ट पॉइंट हम जो आज फ्रेशली देखने वाले हैं वो है मूवमेंट। सो देर आर मेनी टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स विद इन द बॉडी। पहली मूवमेंट देखेंगे ऑन सेलुलर लेवल, मतलब एक सेल के अंदर क्या क्या मूवमेंट्स हो सकती है उसको हम कहते हैं सेलुलर लेवल वाली मूवमेंट। सो मॉलिक्यूल्स मूव फ्रॉम वन साइड टू अनादर साइड। अभी आपने 12th में कुछ ऐसी प्रोसेसेस देखी है जिसमें ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल, साइट्रिक एसिड साइकिल, ये सारी साइकिल्स में कुछ ऐसा होता है कि मटेरियल सेल के अंदर आता है और मटेरियल सेल से बाहर जाता है। मतलब ये कहाँ पे हो रहा है, एक सेल के अंदर हो रहा है। अभी जो माइटोकॉन्ड्रिया वाला पॉइंट पॉइंट सर ने आपसे डिस्कस किया था, विद इन द मेम्ब्रेन, ऑन द मेम्ब्रेन, इनसाइड द मेम्ब्रेन, आउटसाइड द मेम्ब्रेन, सो चीजें अंदर बाहर
सेल के आ सकती है, जा सकती है। तो ये जो मूवमेंट है इसको हम कहते हैं सेलुलर लेवल मूवमेंट, ठीक है। इसका जो प्रैक्टिकल एग्जांपल है, हम नेक्स्ट चैप्टर जो देखने वाले हैं सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तब मैं आपको एनिमेशन के साथ दिखाऊंगा कि एग्जैक्टली सेल के अंदर बाहर चीजें कैसे आती है और जाती है। सो अभी के लिए जान लो कि एक छोटी सी सेल भी हो तो उसके अंदर भी मूवमेंट होती है। नेक्स्ट, ब्लड मूव्स फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर पार्ट ऑफ द बॉडी, एंड वॉट इज द बेसिक फंक्शन ऑफ द ब्लड? टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स। लेकिन ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट ब्लड में आते कहाँ से है? जो आप गैसेस इनहेल कर रहे हो वो ब्लड में जाके डिजॉल्व हो रही है। और क्या वो सिर्फ वहां पे रहेगी जहां पे डिजॉल्व हो रही है? एग्जांपल, आप ब्रीथ इन करते हो तो सारा ऑक्सीजन आपके लंग्स में जा रहा है, लेकिन लंग्स में कुछ ऐसा सिस्टम है जिसकी वजह से जो गैस आपके बॉडी में आ रही है वो ब्लड में डिजॉल्व हो जाती है। लेकिन लंग्स ने ऐसा सोच लिया कि मुझे जितना भी ऑक्सीजन मिला है मैं बाहर छोड़ूंगा ही नहीं, सिर्फ मेरे अंदर जो ब्लड सिचुएट है वहां पे ही रखूंगा। तो क्या आपकी बॉडी सर्वाइव कर पाएगी? नहीं, क्योंकि लंग्स का काम इतना ही है जो भी हम गैसेस इनहेल कर रहे हैं। सर आवाज है इतना ही। ओके ओके होल्ड, सबको मेरी आवाज आ रही है या सिर्फ अभी जिसने कहा उसको ही प्रॉब्लम है? एम आई ऑडिबल टू एवरीवन? आवाज ओके ओके ओके। मे बी आपके यहाँ पे इंटरनेट का कुछ इश्यू है, ठीक है। मैं पॉइंट फिर से एक बार रिपीट करता हूँ, आपने कहा से नहीं सुना जरा बोलना। हेलो, आपको आवाज नहीं आई थी? वो कौन है यहाँ पे मौजूद है अभी या आउट ऑफ नेटवर्क? ओके ठीक है, तो हम बात कर रहे थे ब्लड के ऊपर कि लंग्स ने अगर सोच लिया कि मुझे ऑक्सीजन को डिस्ट्रीब्यूट करना ही नहीं है, सिर्फ मेरे अंदर जितना ब्लड है वहां पे ही रखना है, तो आपकी बॉडी सर्वाइव नहीं कर पाएगी। तो यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है, आपके ब्लड में जितना भी ऑक्सीजन डिजॉल्व हो चुका है वो ईच एंड एवरी सेल तक जाना चाहिए। अगर नहीं गया तो क्या होगा? ऑक्सीजन की जरूरत है आपके एनर्जी जनरेशन प्रोसेस के लिए, उसको हम कहते हैं एटीपी प्रोडक्शन। अगर सूरज सर ने आपको वहां पे डिस्कस किया है या नहीं मुझे याद नहीं है, लेकिन नहीं किया तो आगे जाके एक बायोकेमिस्ट्री नाम का सब्जेक्ट आने वाला है, तब आपको डिटेल में पता चलेगा कि जो भी ऑक्सीजन आप इनहेल करते हो वो आपके इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में सबसे लास्ट में यूज होता है। और किस लिए यूज होता है पता है? जो भी इलेक्ट्रॉन की ट्रांसपोर्ट चेन क्रिएट होती है और इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरे जगह तक मूव होते हैं, तो वो जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे तब आपका एटीपी बनता है। लेकिन इन इलेक्ट्रॉन्स को स्टेबिलाइज करने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है। अगर वहां पे ऑक्सीजन मौजूद नहीं रहा तो वो इलेक्ट्रॉन आपके माइटोकॉन्ड्रिया को तोड़ देंगे, बर्स्ट हो जाएंगे। अगर माइटोकॉन्ड्रिया बर्स्ट हो गया तो उसके अंदर जो भी एटीपी वहां पे प्रेजेंट है वो भी बर्स्ट हो जाएगा, तो आपको एनर्जी नहीं मिलेगी और ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन उस पर्सन की डेथ हो जाएगी इमिडिएटली। ये होता है प्रोसेस की हम एट द सेलुलर लेवल कैसे सोचते हैं, और जस्ट हम सोचते हैं कि हाँ मैं इनहेल कर रहा हूँ और वो गैस बाहर निकल रही है। नो, एक एक सांस आपकी बॉडी के अंदर जब जाती है उसके अंदर जो भी ऑक्सीजन डिजॉल्व होता है तो वो ईच एंड एवरी सेल तक पहुंचता है। उसका पर्टिकुलर काम है कि एटीपी को प्रोड्यूस करना। अगर मैं थोड़ी देर के लिए सांस अभी रोक दूं, बात ही ना करूं, तो प्रॉब्लम क्या होगी? थोड़ी देर बाद मुझे सफोकेशन होने लगेगा। सफोकेशन क्यों हो रहा है? क्योंकि मुझे बात करने के लिए एनर्जी चाहिए। एनर्जी तब मिलेगी जब मैं इनहेल करूंगा। अगर मैं इनहेल की प्रोसेस स्टॉप कर दूंगा तो ट्रांसपोर्ट नहीं होगा। सो मूवमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन केस ऑफ योर ऑक्सीजन ब्लड एंड न्यूट्रिएंट। अभी ऑक्सीजन का कॉन्सेप्ट तो समझ में आ चुका है, दूसरा कॉन्सेप्ट है न्यूट्रिएंट का। तो आपके बॉडी में जो भी न्यूट्रिएंट आ रहा है उसको ब्रेक डाउन करके सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। सो एटीपी किससे बनता है? ग्लूकोज अमीनो एसिड या फैटी एसिड्स? ग्लूकोज। वेट, किसने कहा अमीनो एसिड? आपका आंसर इनडायरेक्टली करेक्ट है अगर आपने अमीनो एसिड कहा है तो। कैसे? ग्लूकोज इज अ परफेक्ट आंसर कि वहां से हमें एटीपी मिलता है। अमीनो एसिड कैसे? जब भी आपके बॉडी में एक्सेसिव ऑफ अमीनो एसिड आते हैं तो बॉडी उनमें से कुछ अमीनो एसिड को स्टोर कर लेती है, और जब बॉडी को पता चलता है कि अभी बॉडी में ग्लूकोज प्रेजेंट नहीं है तब बॉडी अमीनो एसिड को कन्वर्ट कर देती है ग्लूकोज मॉलिक्यूल में, और वो ग्लूकोज मॉलिक्यूल आगे जाके आपको एटीपी प्रोड्यूस करने के लिए मदद करता है। अगर आप में से किसी ने कीटो डाइट का कॉन्सेप्ट पढ़ा है, अगर कोई एक्सरसाइज के बारे में कॉन्शियस है तो उसको ये पता होगा कीटो डाइट में हम कार्बोहाइड्रेट को नहीं खाते हैं।
उस केस में आपके बॉडी में जो फैट्स है और जो अमाइनो एसिड से उनको यूटिलाइज करके एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है। तो जिस पर्सन को भी वेट लॉस करना होता है और विद इन कम पीरियड ऑफ टाइम में करना होता है तो वो कीटो डाइट को शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, चलो कुछ एक्स्ट्रा बता दिया। तो दूसरा पॉइंट आपको क्लियर हो चुका है कि बॉडी में मूवमेंट होना क्यों जरूरी है एट द लेवल ऑफ योर ब्लड। तीसरी मूवमेंट ऑफ डायफ्राम विथ योर ब्रेथ। यस, जब भी हम सांस लेते हैं तब हमारे डायफ्राम की और हमारे लंग्स की मूवमेंट होती है, तो वो मूवमेंट इसलिए जरूरी है ताकि जब आप सांस लोगे तब आपके लंग्स एक्सपांड होने चाहिए, तभी गैस अंदर आएगी। जब सांस जो भी कार्बन डाइऑक्साइड है जो बाहर जा रहा है तब आपके लंग्स ऑटोमेटिकली कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो ये डिफरेंस इसलिए जरूरी होता है ताकि प्रेशर डिफरेंस मैनेज हो सके। अगर प्रेशर डिफरेंस इजीली मैनेज हो गया तो आपके गैसेस का ट्रांसफर इजीली होता है। देन यू कैन वॉक, रन, जंप, सिट, इट इज ड्यू टू मसल फाइबर मूवमेंट। अभी आपके बॉडी के जो मेजर मूवमेंट्स है वो क्यों होती है, क्योंकि आपके बॉडी के जो मसल्स है, स्केलेटो मस्कुलर सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम एंड मस्कुलर सिस्टम, दोनों एक दूसरे के साथ मिलके आपके जो मेजर मूवमेंट्स है उनको कंट्रोल करते हैं। लेकिन अगर किसी ने सोच लिया मुझे हिलना डुलना ही नहीं, एक ही जगह पे बैठ के रहना है, क्या वो जिंदगी भर वहाँ पे बैठ के रह सकता है? नो। अगर ऐसा हुआ तो उसकी जो बेसिक लाइफ प्रोसेस है वहाँ पे वो स्टॉप हो जाएगी और बॉडी अंदर से खराब होने लगी, और वो किसी के लिए पॉसिबल नहीं है कि वो एक जगह पे बैठा रहे, क्योंकि उसकी जो डे टू डे एक्टिविटीज है वो तो उसे करनी ही होगी। सो दैट्स व्हाई मूवमेंट इज ऑल्सो एसेंशियल प्रोसेस इन योर लाइफ। ओके, ठीक है, अभी हम जिंदा है, हम चल फिर सकते हैं, फाइन। लेकिन क्या ये मूवमेंट वाली प्रोसीजर ट्रीज को और प्लांट्स को अप्लाई होती है? सोचो, हम तो हिल डुल सकते हैं, घूम सकते हैं, तो ये होती है। होती है कैसे, एग्जांपल दे सकते हो आप? यस, लीफ स्ट्रीम्स, लीव ब्रांचेस। ओके, क्या ट्रीज एक्सक्रीशन करते हैं? हाँ सर। यस सर। ओके, ट्रीज जो भी होते हैं वो, हाँ बोला, कंटिन्यू बोल बोल, तो पॉइंट पूर्ण कर, कोई तो कुछ बोलना चाहता था? यस, नो, नो। ओके, देखो, ट्रीज जब भी उनका काम कर रहे हैं कि ऑक्सीजन को बाहर छोड़ रहे, CO2 को अंदर ले रहे, तब उनका काम क्या है, टू प्रोड्यूस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, और वो स्टोर हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ फ्रूट। ओके, ये तो हो गया उसका एनर्जी जनरेशन का प्रोसेस। लेकिन क्या वो मेटाबॉलिज्म करता है ट्री? और मेटाबॉलिज्म अगर करता है तो उसका एग्जांपल क्या होगा जिसको हम मेटाबोलाइट कहेंगे ट्रीज के रिगार्डिंग? सोचो, उसका मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट क्या होगा? दिमाग लगा। व्हाइट व्हाइट कलर का वो पत्ती तोड़ के आता है वो लिक्विड। यस यस, उनको हम कहते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। जब आप सेकेंड ईयर बी फार्म फोर्थ सेमेस्टर में जाने वाले हो तब आपको एक फार्माकोग्नोसी नाम का सब्जेक्ट आने वाला है। उसमें आपको सेकेंडरी मेटाबोलाइट करके कॉन्सेप्ट है जिसमें अल्कलॉइड्स, ग्लाइकोसाइड्स, टैनिन्स और कुछ और दो पॉइंट्स हैं लाइक रेजिन्स हैं। तो वो जो सारे मेटाबोलाइट्स है वो कब बनते हैं, जब आपका जो ट्री है वो मेटाबोलिज्म की प्रोसेस करता है, उसमें से कुछ वेस्ट प्रोडक्ट बनता है। लेकिन ये सारी चीज़ें भी इम्पॉर्टेंट है। एक मिनट, माइक म्यूट करा सगड़े, माइक को ना तो ऑन है। ओके, तो आपका ट्री मेटाबॉलिज्म करता है, उसमें से एनर्जी भी प्रोड्यूस करता है, कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स भी बनाता है। लेकिन ये जो वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं ये भी आपके लिए बायोलॉजिकली इम्पॉर्टेंट है। वो कैसे है आप जब फोर्थ सेमेस्टर में जाओगे तब पता चलेगा, अभी नहीं। ठीक है, नेक्स्ट है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का सिंपल डेफिनेशन, गिविंग बर्थ टू न्यू लाइफ, दैट इज नथिंग बट रिप्रोडक्शन। एंड लाइफ इज फॉर्म्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। यस, लाइफ कहाँ से आती है? प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से। ऑल्सो इट इंक्लूड फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल्स फॉर द रिप्लेसमेंट ऑफ लाइफ, सॉरी रिप्लेसमेंट एंड रिपेयर ऑफ द ओल्ड सेल्स एज वेल एज फॉर ग्रोथ। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर आपकी स्किन सेल डैमेज हो जाती है, कुछ कट आ जाता है, तो वहाँ पे क्या होता है, स्किन फिर से रीग्रो कर पाती है। मतलब आपके रिप्रोडक्शन के दो पार्ट्स हो सकते हैं, एक तो न्यू लाइफ को जनरेट करना है, दूसरा रिपेयर एंड हीलिंग का भी काम करना है। सो इसमें क्या क्या आता है, ट्रांसफर, रिप्रोडक्शन का मेन फंक्शन क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। अभी इसके लिए आपने रिप्रोडक्टिव सिस्टम का चैप्टर देखा है इससे पहले, इसमें क्या क्या चीजें आती थी, स्पर्म एंड एग का फ्यूजन, उसमें से बन जाता था जायगोट,
उसके बाद उस जायगोट का हो जाता था क्लीवेज, उसके बाद कुछ स्टेप्स थी ब्लास्टुला फॉर्मुलेशन, गैस्ट्रोलेशन, उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ जर्म लेयर, एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म, एंड देन फॉर्मेशन ऑफ योर ऑर्गेनिज्म एंड एम्ब्रियो, देन फॉलोड बाय ऑर्गेनिज्म. मतलब यहाँ पे हमें क्या समझता है कि रिप्रोडक्शन में एक बेसिक सेल होती है, वो दूसरे एक सेल के साथ फ्यूज हो जाती है, जैसे कि एग्जाम्पल स्पर्म्स एंड एग्स, उससे बनेगा हमारा जायगोट, और वहां से जो आगे की प्रोसीजर होती है उससे हमें एक न्यू लाइफ मिलती है. लेकिन वो एक सेल बहुत सारे अलग सेल्स में डिवाइड हो जाती है, उसको हम कहते हैं डिफरेंशिएशन प्रोसेस. जो भी न्यू सेल बन रही है, न्यू सेल फॉर्म एंड कन्वर्टेड इंटू स्पेशलाइज्ड सेल विथ डिस्टिंक्टिव फंक्शन एंड स्ट्रक्चर थ्रू डिफरेंशिएशन सेल डेवलप इंटू टिश्यू एंड ऑर्गन्स. मतलब इनिशियली जायगोट था, लेकिन वो जायगोट कन्वर्ट हो चुका है आपके टोटल 11 सिस्टम्स में. मतलब कुछ सेल्स डिवाइड होके अलग अलग सेल्स में बिखर गई, और वहां से उन्होंने एक सिस्टम बना लिया कि हमें सिर्फ इतना ही काम करना है. अगर हमें रिप्रोडक्शन का काम दिया है तो हम रिप्रोडक्शन का ही काम करेंगे, कुछ सेल को डाइजेस्टिव सिस्टम का काम दिया तो वो वही काम करेंगे. और इसको ही हम कहते हैं आई थिंक स्टेम सेल टेक्निक के बारे में किसने सुना है? स्टेम सेल टेक्निक, क्या स्टेम सेल से हम एक नया ऑर्गेनिज्म बना सकते हैं? पढ़ा है किसने? अगर नहीं पढ़ा है तो पढ़ लेना, बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है कि एक स्टेम सेल्स की मदद से, अभी वो टेक्नोलॉजी इमर्जिंग है कि सोचो आपके स्टेम सेल्स अगर स्टोर करके रख दिए और फ्यूचर में जाके आपकी किडनी और लीवर किसी वजह से अगर खराब हो जाती है तो आप उन स्टेम सेल का यूज करके उसको रीग्रो कर सकते हो. लेकिन कैसे? वो प्रोसीजर आपको मेंटेन रखनी पड़ेगी. मतलब कल मेरी किडनी खराब हो गई तो दूसरे दिन मुझे उस स्टेम सेल से किडनी मिलेगी, ऐसा नहीं है. उसे आपको प्रोसेस के, मतलब वो कॉस्टली प्रोसेस है पहली चीज, लेकिन ये एक आइडिया है कि आपके स्टेम सेल्स अगर हम प्रिजर्व करके रखें और फ्यूचर में अगर हमें उसका यूज करना है तो उससे हम अलग अलग ऑर्गन्स डेवलप कर सकते हैं. सो इसका एक वीडियो है यूट्यूब पे, देख लेना कि स्टेम सेल टेक्नोलॉजी कैसे हम उससे एक नया ऑर्गेनिज्म बनाते हैं. नेक्स्ट है एक्सक्रीशन. अभी एक्सक्रीशन कब होगा? जब फूड का मेटाबॉलिज्म होगा, उसमें से कुछ एनर्जी बनेगी और जो कुछ पार्ट बाकी बचता है उसको हम कहते हैं वेस्ट. अभी ये वेस्ट बॉडी बाहर फेंक देती है, तो उसके लिए कुछ रूट चाहिए. तो रूट क्या है? हमारा किडनी है और लंग्स है. तो यहाँ से हमारी बॉडी उनको बाहर फेंक देती है, जो भी वेस्ट मटेरियल है. और इन वेस्ट मटेरियल पे मैक्सिमम नाइट्रोजनस वेस्ट प्रेजेंट होता है. नेक्स्ट पार्ट इज न्यूट्रिशन, विच इज रिक्वायर्ड फॉर आवर सर्वाइवल, एंड एवरी ऑर्गेनिज्म नीड्स न्यूट्रिशन. अगर उसे ग्रो करना है, मल्टीप्लाई होना है, तो उसे न्यूट्रिशन की जरूरत है. सो न्यूट्रिशन के लिए हमें सोर्स लगेगा. तो सोर्स कौन है? फूड, जो हम खाते हैं. सो उसमें, उसके अंडर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स आते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, वाटर एंड प्रोटीन. मतलब ये सारी चीज़ें मिला के हमें न्यूट्रिएंट्स, हम इन सबको न्यूट्रिएंट कहते हैं. और इनका काम क्या है? प्रोवाइड एनर्जी टू कैरी आउट डे टू डे टास्क एंड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. So that's why nutrition is essential ingredient in your basic life process. Next part is regulation. Regulation means what? To control something, to balance something. So iske under kya aata hai? Control of homeostasis of the body through nervous system and endocrine system. Aapke body ka constant internal environment balanced rahe, iske liye do system ko ek dusre ke saath milke kaam karna padta hai. So isko hum kehte hai homeostasis. जिसका एग्जाम्पल ले लो, आपके एक मिनट में अराउंड 70-80 हार्ट बीट्स होते हैं. हम उसको जनरली 72 काउंट करते हैं. देन आपका जो ब्लड प्रेशर है 120/80 होता है. एसिड सिक्रीशन इन स्टमक, वो भी कंट्रोल्ड है कि आप जब फूड खा रहे हो तभी उसको मेटाबोलाइज करने के लिए ही एसिड बनाना है. एक्सेस ऑफ एसिड अगर बन गया तो आपको एसिडिटी होगी. देन मेंटेनिंग बॉडी फ्लूइड पीएच एंड कंट्रोल ऑफ बॉडी टेम्परेचर. आपका नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना होता है? व्हाट इज द स्टैंडर्ड रेंज? 37 एग्जैक्ट, 37 और समथिंग पॉइंट डिफरेंस, 0.5, 0.7, 0.8, हाउ मच? ओके, आपको एक वेबसाइट का नाम बताता हूँ, गूगल स्कॉलर. फिर से बोल रहा हूँ, गूगल स्पेस स्कॉलर. इस वेबसाइट पे जाना और वहां पे सर्च कर लेना व्हाट इज द स्टैंडर्ड बॉडी टेम्परेचर ऑफ द ह्यूमन बॉडी. ठीक है, देख लेना. आप सर्च करोगे तो आपको पता चलेगा कि एग्जैक्टली इन्फॉर्मेशन को सर्च कैसे किया जाता है. देखो, आप कुछ भी अगर सर्च कर रहे हो तो डायरेक्टली गूगल पे पेस्ट करोगे तो कैसे मान लोगे कि वो इन्फॉर्मेशन सही है या गलत है? आपके पास कोई क्राइटेरिया है?
या डायरेक्टली ढूंढ लेते हो ऐसे ही रैंडमली? बोलो। चलो एक एग्जांपल, क्या विकिपीडिया पे जो कुछ भी लिखा है वो 101% करेक्ट है या आप भी एडिट कर सकते हो उसे? एडिट कर सकते हैं, क्योंकि वहां पे एक ऑप्शन है लॉगिन का। एडिट करना है तो आपको साइन अप करके आपका अकाउंट बना सकते हैं और उसको एडिट कर सकते हैं। तो अगर कोई भी जाके वहां पे एडिट कर सकता है तो क्या उस इन्फॉर्मेशन को हम ऑथेंटिक मानेंगे? नहीं। सो इसके लिए हमें कुछ स्टैंडर्ड साइट लगेगी जहाँ पे जाके हम कुछ इन्फॉर्मेशन, अगर हमें वैल्यूएबल उसकी 100% एश्योरिटी है, अगर वो चेक करना है तो कुछ वेबसाइट्स हमें ढूंढनी होंगी। तो एक वेबसाइट है आपकी गूगल स्कॉलर, लिख के ले लो अगर पेन पेपर अभी हाथ में है। दूसरा है साइंस डायरेक्ट, साइंस डायरेक्ट। तीसरा है एल्सवेयर, एल्सवेयर। चौथा है पब मेड, पांचवा है पब केम। ये कुछ ऐसी वेबसाइट्स है जहां पे आपको स्टैंडर्ड एंड ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन मिलेगी। वहां पे कोई भी जाके कुछ एडिट नहीं कर सकता है, उसको वेरीफाई किया गया है रिसर्च स्कॉलर्स के थ्रू, जिनको कैन यू रिपीट प्लीज? यस यस यस। फर्स्ट वन इज गूगल स्कॉलर, सेकंड वन इज अ साइंस डायरेक्ट, थर्ड वन इज एल्सवेयर, फोर्थ वन इज पब मेड एंड फिफ्थ वन इज पब केम। ठीक है, तो यहाँ पे ओके फाइन, तो यहाँ पे आपको स्टैंडर्ड एंड ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलेगी जिसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। चलो नेक्स्ट इज सिंथेसिस एंड ट्रांसपोर्ट। ये इंपॉर्टेंट प्रोसेस इसलिए है क्योंकि आज आपके साथ जो कुछ भी हो रहा है उसके लिए सिंथेसिस एंड ट्रांसपोर्ट रिस्पॉन्सिबल है। इसके अंडर आता है प्रोटीन सिंथेसिस वाला प्रोसेस। अगर ये प्रोसेस ना हो तो कोई भी लिविंग थिंग सर्वाइव नहीं कर सकती, क्योंकि 2 साल बाद आप जो फार्माकोलॉजी नाम का सब्जेक्ट पढ़ने वाले हो उसके अंदर इतने ड्रग्स पढ़ने हैं आपको, साल में इतने ड्रग्स पढ़ने हैं, उसका एक ही कॉन्सेप्ट है कि वो ड्रग जाके आपके प्रोटीन सिंथेसिस को ब्लॉक करने वाले, आपके नहीं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के। क्योंकि हम ऐसे ड्रग्स ले, मोस्ट ऑफ द टाइम हमारी बॉडी जो सफर करती है माइक्रोबियल इन्फेक्शन से सफर करती है, तो हम एंटीबायोटिक्स को प्रेफर करेंगे। तो जो भी एंटीबायोटिक्स हमारे बॉडी में आ रहे हैं तो वो करते क्या है एग्जैक्टली, तो वो क्या करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का प्रोटीन सिंथेसिस बंद कर देते हैं। एक बार प्रोटीन सिंथेसिस बंद हो गया वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आगे की प्रोसेस कर ही नहीं सकता, क्योंकि ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीनस इन नेचर। और आपको आपके बॉडी के अंदर जो भी इसेंशियल प्रोसेस को कंट्रोल करना है तो आपको एंजाइम्स की जरूरत होती है, और ये एंजाइम्स कहाँ से मिलते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस से। अगर प्रोटीन सिंथेसिस नहीं हुआ तो आपका एंजाइम का सिंथेसिस नहीं होगा और फाइनली वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ एंजाइम्स डेड हो जाएगा। क्योंकि मटेरियल का अगर ट्रांसपोर्ट भी करना है, ग्लूकोज को सेल के अंदर लेना है, वेस्ट मटेरियल को बाहर भेजना है, तभी आपको वहां पे भी एंजाइम्स की जरूरत होती है। लेकिन कुछ रीजन की वजह से अगर वो सिस्टम बंद हो जाए तो क्या होगा, इन जो भी इन एंड आउट का प्रोसेस था वो बंद होगा और जो भी चीजें सेल के अंदर एक्युमुलेट हो रही है वो एक्ट करेगी एज अ टॉक्सिन, सो वो सेल ऑटोमेटिकली डेड हो जाएगी। सो ये था रीजन कि प्रोटीन सिंथेसिस इट इज अ एसेंशियल प्रोसेस टू सर्वाइव योर लाइफ। एवरी सेल सिंथेसाइज एन नंबर ऑफ केमिकल्स ऑन डेली बेसिस एंड ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द बॉडी पार्ट्स टू कैरी आउट वेरियस लाइफ एसेंशियल प्रोसेस। तो हमारी ईच एंड एवरी सेल दिन में बहुत सारे एंजाइम्स, बहुत सारे प्रोटीन्स, अदर केमिकल्स को बनाती है, उसमें से प्रोटीन सिंथेसिस बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और वो एक जगह से सिंथेसिस होके दूसरी जगह तक ट्रांसफर हो सकता है। नेक्स्ट बेसिक एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजीज। यहाँ तक हमारा जो ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का जो इंट्रोडक्शन का पार्ट था वो एंड हो चुका है। तो यहाँ पे कुछ चीज़ों के बारे में आपको पता होना जरूरी है, क्योंकि आगे जाके हम कुछ ऐसे टर्मिनोलॉजीज यूज करने वाले हैं, सुपीरियर पोजीशन, इन्फीरियर पोजीशन, एंटीरियर पार्ट, पोस्टीरियर पार्ट, मेडियल पार्ट, लैटरल पार्ट, प्रॉक्सिमल पार्ट, डिस्टल पार्ट। लेकिन अगर ये पार्ट हम एज इट इज बोल रहे हैं तो इसका कुछ तो मीनिंग होना चाहिए ना। तो सुपीरियर, इसको ही हम कहते हैं क्रैनियल पोजीशन, इसका मीनिंग होता है टूवर्ड्स हेड एंड ऑफ द बॉडी। जैसे कि ब्रेन हमारा कहाँ पे है, सुपीरियर पोजिशन पे, तो कहाँ पे, हमारे हेड पोजिशन पे, टॉप पोजिशन पे, इसके लिए हम उसको कहते हैं सुपीरियर और क्रैनियल पोजीशन। दूसरा होता है
इंफीरियर पोजिशन. हमारी किडनी कहाँ पे है? ब्रेन से दूर है. सो इट इज अवे फ्रॉम हेड. सो किडनी को हम कहेंगे इंफीरियर पोजिशन और उसको ही कहते हैं काउडल पोजिशन. तीसरा पार्ट है एंटेरियर. मेरा फेस, नाक, कान, आंख, ये कहाँ पे है? सामने वाले पार्ट पे. तो इसको हम कहते हैं एंटेरियर पोर्शन. देन पोस्टेरियर और डॉर्सल पोर्शन, जो बैक के हमारे लैटिसमस डॉर्सी मसल्स होते हैं वो कहाँ पे है? पीछे है हमारे. तो उस पोजिशन को हम कहते हैं पोस्टेरियर पोजिशन. दूसरा एग्जाम्पल, हमारा स्पाइनल कॉर्ड, वो कहाँ पे? पीछे वाले रीजन पे. तो वो हो गया उसका पोस्टेरियर पोजिशन और डॉर्सल पोजिशन. तीसरा है मेडियल पार्ट. इसका एग्जाम्पल लेते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम. ये कहाँ पे है? मिड लाइन पे है आपके बॉडी पे. एग्जैक्ट कि हमारा ब्रेन उसके एग्जैक्ट सेंटर से हमारा स्पाइनल कॉर्ड निकलता है. सो दैट इज नथिंग बट योर मेडियल पोर्शन. सिक्स वन इज योर लैटरल पोजिशन. आपके दोनों हाथ आपके मिड लाइन से अवे है, उस पोजिशन को हम कहते हैं लैटरल पोजिशन. नेक्स्ट वन इज योर प्रॉक्सिमल पोजिशन एंड डिस्टल पोजिशन. इसका एग्जाम्पल, आपने किडनी में नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर देखा होगा. नेफ्रॉन में कुछ प्रॉक्सिमल कन्युलेटेड ट्यूबल होते हैं, कुछ डिस्टल कन्युलेटेड ट्यूबल होते हैं. सो अगर कोई चीज एक पर्टिकुलर पॉइंट से अगर दूर हो, मतलब टूवर्ड्स और नियर टू द ट्रंक रीजन. अभी ट्रंक रीजन ह्यूमन का मैं दिखाता हूँ, वेट गूगल करके. प्रॉक्सिमल या डिस्टल. ओके, अभी देखो प्रॉक्सिमल मीन्स वो क्या कह रहे हैं. प्रॉक्सिमल मीन्स नियरेस्ट पॉइंट ऑफ अटैचमेंट टू द लिम्ब और द स्ट्रक्चर. मतलब हमारे मेन लिम्ब्स के हाथ से सबसे नियरेस्ट पॉइंट कौन सा है, उसको हम कहते हैं प्रॉक्सिमल पार्ट. और हमारा जो हाथ जहां से ओरिजिन हो रहा है उससे सबसे लॉन्ग वाला पॉइंट कौन सा है, उसको हम कहते हैं डिस्टल सेक्शन. ठीक है, तो ये था आपका बॉडी पोजिशन का पार्ट. यहाँ पे हमारी बेसिक एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी एंड हो चुकी है. आपका एक चैप्टर खत्म हो चुका है. ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर से. उसका नाम है सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. उससे पहले अभी तक जो कुछ भी हमने कवर अप किया है उसको अच्छे से पढ़ लेना है, उसके बाद ही हम नेक्स्ट चैप्टर को मूव करेंगे. मैं अटेंडेंस मार्क कर रहा हूँ, किसी को कुछ डाउट्स है तो पूछ सकते हैं. ओके, नो डाउट्स. ठीक है, मेरा फोन खराब हो चुका है तो आज मैंने उसको रिपेयरिंग के लिए दिया है, तो कॉल नहीं लगेगी. और इवन मेरे पास अभी दूसरा कोई पर्सन है नहीं कि जिसका फोन यूज करके मैं आपके ग्रुप के साथ डिस्कस कर सकूं. अगर आपको कुछ पूछना है तो अभी पूछ लो. उसके बाद एक अनाउंसमेंट भी होने वाली है.